हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और सब कुछ अच्छा ही चल रहा होगा। तो इस वीडियो में हम आपके सामने एक प्यारा सा टॉपिक लेकर आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, मतलब ऊंचाई और दूरी। इस टॉपिक को सही ढंग से पढ़ने के बाद आप आसानी से इन जो बड़ी बड़ी जो मंजिल आप देख रहे हैं, इन मंजिलों को भी आप आसानी से उसका हाइट पता कर सकते हैं, ऊंचाई पता कर सकते हैं। जैसे कि इस मंजिल का आपको ऊंचाई पता करना हो कि यहाँ से यहाँ तक ऊंचा कितना है, तो बिना इसको नापे हुए आप ट्रिगोनोमेट्री के हेल्प से ऊंचाई पता कर सकते हैं। चाहे फिर ऊंचा पहाड़ हो या फिर यहां से चंद्रमा का दूरी पता करना हो, हर चीज को ट्रिगोनोमेट्री ने सॉल्व कर दिया है। तो इस वीडियो में बने रहें, बहुत ही अच्छा अच्छा जानकारी आपको मिलने वाला है। मान के चलिए कभी माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई है 8848 मीटर, हालांकि अभी हो गया है 8849 मीटर, तो ये जो नापा गया है ये ट्रिगोनोमेट्री के हेल्प से ही नापा गया है और नाप भी सकते हैं। कोई भी पहाड़ को या फिर बड़ा से बड़ा टावर हो किसी भी चीज़ का, या फिर यहाँ से मंगल ग्रह का दूरी हो, सब ट्रिगोनोमेट्री के हेल्प से हम माप सकते हैं। तो ये जो वीडियो है एक्चुअली इसे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री कहेंगे और हिंदी में त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, ठीक है, यानी त्रिकोणमिति का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो हम इसको बिना हाइट नापे हुए भी हम कैलकुलेशन के द्वारा नाप सकते हैं, ठीक है। तो चलिए समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में हम आपको सबसे पहले कंसेप्ट बताएंगे और कंसेप्ट के बाद में 5-6 क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे, जिससे कि आपका सारा चीज क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले कंसेप्ट को समझिए। देखिए, ये जो टॉपिक है एक्चुअली ये एक त्रिभुज के अंतर्गत ही घूमता रहेगा, इर्द गिर्द घूमता रहेगा, जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का नाम तो सब सुने होंगे, जो नहीं सुने होंगे फिर तो बहुत बड़ा दिक्कत वाली बात है। समकोण त्रिभुज कहने का मतलब कम से कम उस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक त्रिभुज है ए बी सी, तो यहाँ पर कोण बी जो है वो 90 डिग्री का है। कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। बाकी बात, ये जो दोनों कोण है वो कितनों डिग्री का रहे मतलब नहीं है, लेकिन इतना तो हमें पता जरूर है कि ये दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा, क्योंकि हम सबसे पहले जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। अब यहाँ पर 90 डिग्री अकेले है तो स्वाभाविक है कि ये दोनों कोण को मिलाकर 90 डिग्री होगा, तभी ना 90 और 90 180 डिग्री टोटल आएगा इस त्रिभुज का, मतलब कि कोणों का योग, है कि नहीं। चलिए, अब अगर ये समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हमको ध्यान में रखना है। अगर नहीं रखेंगे तो फिर बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा ट्रिगोनोमेट्री को समझने के लिए। हालांकि यहाँ पर हम आपको ट्रिगोनोमेट्री समझाने वाले नहीं हैं, पढ़ाने वाले नहीं हैं, उसका अनुप्रयोग समझाएंगे, लेकिन जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं उसमें ये सारी चीज़ें जो है क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। हालांकि ट्रिगोनोमेट्री का वीडियो भी इस चैनल पर अपलोड होगा, चिंता करने की बात नहीं है। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, ये जो 90 डिग्री का कोण बन रहा है उसके सामने वाला को हम लोग बोलते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है हाइपोटेनियस, एच से दर्शा दिए, ठीक है। और एक होता है लंब और एक होता है आधार। चलिए, इसको हम लोग मान लेते हैं लंब, लेकिन वैसे नहीं मानेंगे, ठीक है। जब हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि भाई किस एंगल के सापेक्ष हम लंब या आधार मान रहे हैं। देखिए, अगर हम कोण सी के सापेक्ष चलेंगे, सपोज कीजिए यहाँ पर जो कोण सी जो है वो थीटा है। कितना है? थीटा। थीटा की जगह पर कुछ भी हो सकता है, 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री, है कि नहीं, कुछ भी एंगल होगा, क्लियर। तो अगर यहाँ पर थीटा है तो इसके सापेक्ष अगर हम चलते हैं, इसके अनुदिश चलते हैं, तो इसके सामने वाला कहलाता है लंब। क्या कहलाता है? लंब, जिसको दर्शाते हैं हम लोग पी से, मतलब परपेंडिकुलर। और जिससे ये थीटा एंगल बना हुआ है उसको हम लोग बोल देंगे आधार, सिंपल सी बात है। देखिए, ये जो लंब बना है ए बी, हालांकि बी सी भी लंब हो सकता है, कब? जब हम इस कोण के अनुदिश चलेंगे तब। तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, लेकिन हम इस कोण के अनुदिश चल रहे हैं, है कि नहीं, इसीलिए ये वाला हो गया लंब और ये वाला क्या हो जाएगा? आधार, मतलब कि बेस, जिसको हम बी से दर्शा दिए, क्लियर। ये सारी चीजें तो आपको पता है। चलिए, अब सबसे बड़ी बात ये है कि यहां पर आपको याद करना पड़ेगा कुछ मान, जैसे कि 10 30 डिग्री का मान। 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इस टॉपिक में आपको इस चीज का बार बार प्रयोग होगा। फिर 10 45 डिग्री का मान होता है 1, ठीक है, और 10 60 डिग्री का मान होता है √3। अब आप कहेंगे कि भाई ये सब मान जो है आखिर ये सब है क्या? देखिए, सबसे पहले आप ये जानें कि 10 थीटा बराबर होता है P बाय बी।
पी बाय बी मतलब कि लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर बटा बेस होता है। देखिए ये जो टेन थीटा है, टेन थीटा एक प्रकार का फंक्शन है। टेन क्या है? एक प्रकार का फंक्शन है। तो ये जो इसका एंगल है, टेन का जो एंगल यहाँ पर, थीटा क्या है? कोई एंगल होगा यहाँ पर, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, कुछ एंगल होगा, है कि नहीं? तो वो जो एंगल है डिफाइन किया जाता है परपेंडिकुलर बेस के अनुपात में, यानी ये वाला इसका लंबाई और इसका लंबाई के अनुपात में। तो देखिए अगर टेन, अगर थीटा का मान 30 डिग्री होगा, टेन अगर थीटा का मान कितना होगा 30 डिग्री होगा, तो स्वाभाविक है कि परपेंडिकुलर एक होगा और वो जो बेस है वो कितना होगा, रूट थ्री होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर गलती से ये वाला एंगल 30 डिग्री हो गया, अगर कौन सी थीटा का मान अगर 30 डिग्री हो गया, तो ये गारंटी है कि इसके सामने वाला मतलब कि परपेंडिकुलर जो होगा वो कितना होगा, एक होगा। मतलब समझ लीजिए कि एक मीटर है तो इसका आधार जो है वो अपने आप रूट थ्री मीटर हो जाएगा। अगर इसके सामने वाला अगर 10 मीटर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 रूट थ्री हो जाएगा, क्योंकि ये अनुपात है। क्या है? एक प्रकार का त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब जब त्रिकोणमितीय अनुपात है तो फिर क्या हो जाएगा, इस अनुपात कहीं कट छट करके आया होगा। तो अगर यहाँ पर 10 मीटर है और यहाँ पर 10 रूट थ्री मीटर है, तो 10 10 कट गया होगा, तो 1/√3 बचा होगा, है कि नहीं? ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर कभी भी अगर टेन 30 डिग्री का बात हो तो इसका मतलब ये हुआ, हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है पी बाय बी, तो ये पी का मान होगा और ये बी का मान होगा। मतलब पी का मान अगर 1 मीटर रहेगा तो बी का मान √3 मीटर हो जाएगा, अगर पी का मान 5 मीटर रहेगा तो बी का मान 5√3 मीटर हो जाएगा, है कि नहीं? ये सब बातें हैं। फिर टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, या फिर इसको 1/1 बोल सकते हैं, टेन 60 डिग्री का मान √3/1, या तो फिर √3 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब मान पता होना चाहिए और आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा पूरा मान। हालांकि यहाँ पर ये जो तीनों है ये बार बार प्रयोग किए जाएंगे, लेकिन इसके अलावे भी कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है किसी के साइन 30 डिग्री का मान आपको पता होना चाहिए कि साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, है कि नहीं? तो पता रहेगा तभी क्वेश्चन बनेगा। हालांकि जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है उसको आपको पूरा याद कर लेना है, लेकिन इस क्वेश्चन लगभग 90% क्वेश्चन जो है इस टॉपिक का यही सब यदि आप याद करके रखे हैं तो इसे ही सॉल्व हो जाता है। क्लियर? तो चलिए, हाँ, अब ये चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। दो चीज़ आपको यहाँ पर समझना है, एक है उन्नयन कोण और दूसरा है अवनमन कोण। ये दोनों को समझ लें, क्योंकि क्वेश्चन में बार बार बोला जाता है कि भाई उन्नयन कोण इतना है, अवनमन कोण इतना है, तो फिर आप समझेंगे नहीं तो फिर बनाएंगे कैसे, है कि नहीं? तो देखिए उन्नयन कोण कब होता है, देखिए ये मीनार है, मीनार क्या है, ऊर्ध्वाधर खड़ा है, इसका क्या होगा, ऊंचाई निकलेगा, किसी भी हराल में क्या होगा, ऊंचाई निकलेगा। जैसे अगर ऊर्ध्वाधर कोई चीज़ खड़ा रहता है तो अगर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मापेंगे तो एक्चुअली वह ऊंचाई होता है कि नहीं? क्या होता है? ऊंचाई। अब यहाँ पर देखिए ये धरती है, क्या है, धरती है, यहाँ पर देख रहे हैं एक आदमी खड़ा है और ये जो आदमी है सीधे मीनार का जो यहाँ पर जो चोटी है उसको देख रहा है, क्या कर रहा है, उसको देख रहा है। तो यहाँ पर एक रेखा का निर्माण होगा, देखेगा भाई तो देखेगा तो एकदम एक लाइन में देखेगा, तो उसी का नाम दिया गया है दृष्टि रेखा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा है। कोई आदमी देखेगा तो क्या हो जाएगा, दृष्टि रेखा का निर्माण होगा। तो दृष्टि रेखा और ये जो क्षैतिज स्तर है उसके बीच में जो कोण बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे उन्नयन कोण, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे कि ये आदमी ऊपर देख रहा है, कहाँ देख रहा है, ऊपर, तो उससे ऊपर और उससे उन्नयन, है कि नहीं? तो यहाँ पर ऊपर देखने पर जो कोण बनेगा, ऊपर देखने पर जो कोण बनेगा किसके साथ, क्षैतिज के साथ, मतलब कि धरती के साथ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण बोलेंगे, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। अब देखिए अवनमन कोण क्या है, यहाँ पर एक लड़की है बालकनी पर खड़ी है, तो यहाँ पर भी कुछ हाइट होगा, है कि नहीं? यहाँ पर भी समकोण त्रिभुज का ही निर्माण हो रहा है। अभी जो लड़की है यहाँ पर देख रही है, एक फुटबॉल यहाँ पर रखा गया है, उस वस्तु को यह कर रही है, देख रही है। अब देख रही है तो ये वाला क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ साइट हो जाएगा, मतलब कि दृष्टि रेखा हो जाएगा। अब जब दृष्टि रेखा होगा तो यहाँ पर देखिए ये जो लड़की देख रही है, इसका जो नज़र है, इसके नज़र इस धरती के जो समांतर जो रेखा जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे क्षैतिज स्तर। तो इस क्षैतिज स्तर और इस लड़की का जो दृष्टि रेखा है वो, उसके बीच में जो कोण बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे अवनमन कोण। इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो समझ में आ गया होगा कि भाई ऊपर देखने पर जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे हम लोग उन्नयन कोण, नीचे देखने पर जो बनेगा उसको बोलेंगे अवनमन कोण। अब ऐसा नहीं कि अवनमन कोण यहाँ बनेगा, है कि नहीं, यहाँ बनेगा, लेकिन होता यह है कि अवनमन कोण जितना बनता है यहाँ पर उतना ही यहाँ पर बन जाता है। अगर यहाँ पर थीटा बन रहा है तो यहाँ पर भी थीटा ही बन जाएगा। क्यों बन जाएगा?
क्योंकि देख रहे हैं कि ये वाला और ये वाला क्या है, समांतर है, और ये वाला तिर्यक रेखा का काम कर रहा है, तिर्यक रेखा काम कर रहा है। तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हालांकि आप उन्नयन कोण और अवनमन कोण ना जाने तो भी क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में जब बोला जाएगा तो इस चीज़ का ज्ञान होना जरूरी है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो समझ में आ गई बात कि भाई मीनार है, मीनार और फिर आदमी जहाँ पर देख रहा है कैसे एक समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है। हम आपको बता चुके हैं कि ये जो टॉपिक है वो समकोण त्रिभुज के इर्द गिर्द ही घूमेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, यहाँ पर भी ये लड़की जो देख रही है अपनी नज़र से, यहाँ पर भी एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है कि नहीं। तो ये सब बातें आपको समझ में आनी चाहिए। या फिर अगर हम चंद्रमा को देख रहे हैं, क्या देख, कहाँ पर देख रहे हैं, चंद्रमा पर देख रहे हैं, तो पृथ्वी का जो सतह है और चंद्रमा, वहाँ पर भी क्या बनेगा, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण होगा, है कि नहीं। तो उसके मदद से हम ऊंचाई या तो फिर चंद्रमा की दूरी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। क्लियर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बनाएंगे, धीरे धीरे सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन को आपको ढंग से समझना है और सबसे पहले कॉपी पेन निकाल लेना है और फिर अपने से भी बनाने का प्रयास करना है। देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन, समझिए इसको ढंग से, बहुत ही मज़ा आएगा। चलिए देखते हैं, लिखा गया है धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ऊर्ध्वाधर, देखिए ये ऊर्ध्वाधर धरती पर खड़ी है, ये है धरती, ये है धरती, ठीक है, ये है धरती, थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं, ठीक है। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, मान लेते हैं कि ये मीनार है, हालांकि दूसरा चीज लग रहा है। चलिए अब आगे बोला गया है, धरती के एक बिंदु से, यहां पर लाइन टेढ़ी नहीं है, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, ठीक है, इस मीनार के पाद बिंदु से, ये वाला कहलाता है पाद बिंदु, इस पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मान लेते हैं कि यहां पर एक बिंदु है जो इस पाद बिंदु से कितना है, 15 मीटर दूर है, ठीक है, समझ आ रही है बात, दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मीनार के इस शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। उन्नयन कोण मतलब ऊपर, उसे ऊपर, उसे उन्नयन, ठीक है। तो यहां पर देख रहे हैं कि भाई यहां से एकदम सीधा सीधा जाएगा, ठीक है, यहां पर देखिए सीधा नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, क्योंकि ये जो मीनार है ऊर्ध्वाधर खड़ी है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, क्या कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, है कि नहीं। और यहाँ पर उन्नयन कोण कितना दिया गया है, 60 डिग्री दिया गया है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 60 डिग्री लिखेंगे। देखिए यदि आपको इतना चीज़ पता है तो इस मीनार का ऊंचाई आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगर किसी भी चीज़ का ऊंचाई ज्ञात करना हो या फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता हो, अगर करना हो, तो आपको दो चीज़ पता होना चाहिए, पहला चीज एंगल और दूसरा या तो आधार पता होना चाहिए या तो फिर इसका ऊंचाई पता होना चाहिए। अगर ये वाला पता होगा और ये वाला पता होगा तो ये वाला निकल जाएगा, या फिर ये वाला पता है और ये वाला पता है तो ये वाला निकल जाएगा, या फिर और भी कंडीशन तरह तरह के हो सकते हैं, जो क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो क्लियर होता चलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला गया कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, अब इतना कंडीशन आपको दे दिया गया है और बोला गया कि भाई इस मीनार का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप जानते हैं, यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन या तो फिर हल, हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाय बी, अर्थात लंब बटा आधार, लंब बटा में क्या होता है, आधार, यह आप तो जानते होंगे, ठीक है। देखिए यहां पर जो लंब है, लंब ये वाला लंब है, क्योंकि इस थीटा के सापेक्ष बात कर रहा है, जो इसके जो सामने वाला होगा वो लंब कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा। तो मान लेते हैं कि इसका जो ऊंचाई है वो एच है, क्या है, एच है, यहां से यहां तक ऊंचाई एच है, यहां तो यहां से यहां तक का लंबाई पता है हमको, है कि नहीं, बेस का मान पता है, मतलब आधार का मान पता है कितना, 15 मीटर। तो देखिए अब यहाँ थीटा, थीटा का मान कितना दिया गया है, 60 डिग्री, तो थीटा की जगह पर लिख देंगे 60 डिग्री, तो जाएगा टेन 60 डिग्री बराबर, पी का मान कितना है नहीं दिया गया है, माने कितना है एच, तो एच लिखेंगे, डिवाइडेड बाय बेस मतलब आधार, आधार का दूरी कितना है 15 मीटर है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 15 लिख देंगे, जो भी आएगा आंसर मीटर में आएगा। चलिए टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, रूट थ्री, कितना होता है, रूट थ्री, ये सब याद करना होगा, यदि याद नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा दिक्कत है, नहीं बना पाएंगे, है कि नहीं। तो टेन 60 डिग्री का मान होता है रूट थ्री, बराबर में क्या हो जाएगा, एच बाय 15, अब क्या होगा 15 को गुना रूट थ्री से कर देंगे तो एच का मान निकल जाएगा, एच बराबर में आ जाएगा 15 रूट थ्री, इतना मीटर आंसर। इस मीनार का ऊंचाई कितना हो गया, 15 रूट थ्री मीटर हो गया। बताइए इस मीनार में हम चढ़ें नहीं चढ़ें,
बिना चढ़े हुए, केवल हम ये वाला पता किए और पता किए कि भाई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, बस निकल गया। लेकिन आपके मन में कुछ सवाल आता होगा कि अरे भाई टेन 60 डिग्री का मान हमको पता है रूट थ्री, इसीलिए तो हम निकाल दिए। अगर हम ऐसा जगह पर खड़ा हो जाए जहाँ पर बन रहा हो टेन 55 डिग्री, तब क्या करेंगे? तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि टेन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री सबका स्पेशल स्पेशल जो मान है वो निकालना उतना आसान नहीं है, बहुत ही टफ हो जाता है। तो हम लोग बेसिकली ऐसा जगह पर जाकर खड़ा हो जाते हैं जहाँ पर या तो 60 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा हो, या फिर 30 डिग्री का बन रहा हो, या फिर 45 डिग्री का बन रहा हो, अपनी सुविधा अनुसार, उससे अच्छा रहता है। ठीक है, उससे अच्छा रहता है। हालांकि जो थियोडोलाइट होता है, मतलब कि चंद्रमा की दूरी या फिर मंगल ग्रह का दूरी जो मापते हैं, उसमें सारा चीज़ कैलकुलेशन हो जाता है। अगर 75.5 डिग्री बन रहा है तो उससे भी हम लोग ऊँचाई लंबाई माप सकते हैं। क्लियर। चलिए अब यहाँ पर इसको रूट थ्री का मान जो है, आप चाहेंगे भाई दशमलव में लाने के लिए आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई 15 रूट थ्री कितना होता है, हमको नहीं महसूस हो रहा है कि भाई इस मीनार का ऊंचाई कितना है। चलिए मान रख देते हैं 15 रूट थ्री का मान कितना होता है, 1.73 रख दीजिए, 1.73। हालांकि इसके आगे और भी होता है, इतना मीटर आप दोनों को गुना कर दीजिए, उतना मीटर आंसर। कोई दिक्कत, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए गुना ही कर देते हैं, 1.73 गुना 15, 15 हो जाएगा 45, हाथ में 4, 15 सत्य 105 हो गया, तो हो गया 109, मतलब कि 9 हो गया। ठीक है, 10, 5 एकम 5 और 10 कितना हो जाएगा, 15 एकम 15 और 15 10 25, दो अंक के बाद दशमलव, दो अंक के बाद दशमलव, तो कितना आ गया यहाँ पर, आ गया 25.95 मीटर, लगभग वही 26 मीटर के आसपास है कि नहीं, मतलब उस मीनार का ऊंचाई कितना है, 26 मीटर है। तो समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं ताकि आपको और भी चीज़ें क्लियर होता चले धीरे धीरे। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, बोला गया कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, प्रेक्षक मतलब कोई आदमी, प्रेक्ष मतलब प्रेक्षण का मतलब करने वाला, प्रेक्षण करने वाला को हम लोग बोलते हैं प्रेक्षक। ठीक है, तो 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है, उसकी आंखों से चिमनी की शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे पास शायद एक इमेज होगा, उस इमेज को यहाँ पर सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद में आपको और भी अच्छा से समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पर एक चिमनी है, देखिए ये वाला NCERT का चित्र है। ठीक है, देख सकते हैं ये वाला चित्र, हम उतना क्यों बनाएंगे, आपको यहीं पर समझ में आ जाएगा। क्या बोला गया है, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक। देखिए यहाँ ये जो प्रेक्षक है, प्रेक्षण करने वाला है, इसका लंबाई कितना है, 1.5 मीटर है। ठीक है, एक चिमनी से 28.5, एक चिमनी से, ये चिमनी का भट्ठा है। ठीक है, चिमनी का भट्ठा है या ईंटा उसमें पक रहा होगा या फिर दूसरा चीज़ पक रहा होगा, जो भी है कि नहीं, तो चिमनी से कितना है, 28.5 मीटर की दूरी पर वह प्रेक्षक है, उसकी आँखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ये जो प्रेक्षक का आँख है, यहाँ से इस चिमनी का जो शिखर है उससे उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। देखिए जो प्रेक्षक है, अब ऐसा थोड़ी नहीं कि यहाँ से एकदम धरती से झुक के देखेगा ऊपर, ऐसा नहीं, खड़ा है अपने आप, है कि नहीं, बन रहा है जितना बनेगा वहाँ पर एंगल, तो एंगल इसका मतलब ये नहीं कि भाई धरती के साथ बनेगा। ये जो प्रेक्षक का जो यहाँ पर आँख है, अब धरती के अगर समांतर ले जाएंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्षैतिज स्तर। क्या बोलेंगे, क्षैतिज स्तर। तो इसे क्षैतिज स्तर और उसके और इसके ये जो दृष्टि रेखा है उसके बीच में जो एंगल बन रहा है उसको उन्नयन कोण कह रहे हैं, है कि नहीं, तो उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। अगर यहाँ से सी से लेकर बी तक 28.5 मीटर है, तो स्वाभाविक है भाई यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा, 28.5 मीटर ही होगा, ये तो पक्का है कि नहीं। अब हमसे सवाल में पूछा गया है कि चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब कि चिमनी का ऊंचाई ज्ञात करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ये जो प्रेक्षक का आँख है, प्रेक्षक का आँख से केवल हम यहाँ से यहाँ तक का हाइट पता कर सकते हैं, मतलब पॉइंट ए से पॉइंट ई के हाइट को पता कर सकते हैं, बाकी बात यहाँ पॉइंट बी से पॉइंट ई, यहाँ पर ये जो पॉइंट है वो ई है एक्चुअली, ठीक है, पॉइंट ई का हमको पहले से पता है। प्रेक्षक का जितना लंबाई होगा उतना ही यहाँ पर लंबाई होगा, मतलब कि यहाँ पर भी 1.5 मीटर ही होगा, तो मतलब ई से लेकर ए तक का लंबाई पता हो तो एकदम आसानी से हम पूरा चिमनी का लंबाई पता कर सकते हैं, तो आसानी से ये भी ज्ञात हो जाएगा। कैसे ज्ञात होगा, देखिए
हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है पी बाय बी। अब थीटा का मान दिया गया है 45 डिग्री, मतलब कि टेन 45 डिग्री बराबर पी। अब देखिए इसका परपेंडिकुलर कितना है, मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का लंबाई ए ई है, क्या है ए ई है, तो ए ई लिख दिए, मतलब ए ई, ठीक है, डिवाइडेड बाय बेस। अब बेस देखिए यहाँ पर कितना बन रहा है 28.5, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 28.5 लिखेंगे, क्लियर। टेन 45 डिग्री का मान होता है 1। देखिए अगर 45 डिग्री का कहीं पर कोण बन रहा है तो जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगा, मतलब अनुपात जो होता है सेम होता है, ठीक है, एक अनुपात एक में होता है, क्लियर, पी बाय बी। चलिए इस तरह से भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, तो ए ई बट्टा क्या हो जाएगा 28.5 हो जाएगा। अब 28.5 को 1 से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, ए ई बराबर में क्या आ जाएगा 28.5 हो जाएगा। 28.5 को गुना 1 से करेंगे तो ई का मान निकल जाएगा, इतना मीटर आया। अब इतना मीटर ए ई का लंबाई आ गया, ए ई का, लेकिन हमको पूरा चिमनी का, पूरा चिमनी का ऊंचाई पूछा गया क्वेश्चन में, तो पूरा चिमनी मतलब कि पूरा चिमनी का ऊंचाई, चिमनी का ऊंचाई जिसको हम लोग बोल सकते हैं ए बी, डायरेक्ट क्या बोलेंगे ए बी, बराबर में क्या हो जाएगा 28.5 प्लस 1.5, यहां से यहां तक कितना है 1.5 है कि नहीं, जो भी आएगा वो मीटर में आएगा। अब इसको जोड़ दीजिए तो 5 5 10 के 0 हाथ में 1, 8 9 10 के 0 हाथ में बच गया 1, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, एक अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे है कि नहीं, तो कितना आ गया 30 मीटर। 30 मीटर मतलब कि इस चिमनी का ऊंचाई टोटल कितना है 30 मीटर है। तो बताइए इस चिमनी पर हमको चढ़ने की ज़रूरत पड़ा नहीं पड़ा, ऊंचाई ज्ञात कर लिए, कर लिए, कैसे कर लिए, ट्रिगोनोमेट्री के हेल्प से, है कि नहीं। तो समझ में आ रही होगी बातें, हर बातें आपको समझ में आ रही होगी मुझे उम्मीद है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं ताकि आपको और भी चीज़ें समझ में आ जाए। यहाँ पर बोला गया कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। वाह वाह वाह, आपको तो एकदम अजीब सा लग रहा होगा, कुछ अजीब सा नहीं है। बोला गया है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर, तो सबसे पहले हमें केबल टावर बनाते हैं। देखिए ये है एक केबल टावर, ठीक है, एक केबल टावर है, ठीक है। अब बोला गया है कि 7 मीटर ऊंचे भवन से, अब यहाँ पर एक भवन है, एक भवन है, यहाँ पर एक भवन बना देते हैं, ठीक है। अब इसका ऊंचाई जो है, इसका, इस भवन का ऊंचाई कितना है 7 मीटर है, ठीक है, एकदम पढ़ते जाना है और यहाँ पर चित्रित करते जाना है। अगर आपको चित्र बनाने के लिए आ गया तो फिर दिक्कत नहीं है, बस वही टेन थीटा बराबर होता है पी बाय बी, थीटा का मान रख दीजिए, पी का मान रख दीजिए, बी का मान रख दीजिए, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक का मान छुपाया गया होगा वो चीज़ निकल जाएगा, तो हर वर्ड से मीनिंग चेंज हो जाता है, इसीलिए वर्ड को ध्यान देना कि भाई कौन चीज़ बोला गया है और वहाँ पर क्या चित्र में दर्शाया जाएगा, है कि नहीं। तो बोला गया कि 7 मीटर ऊँचे भवन के शिखर से, 7 मीटर, अच्छा चित्र हम पिल्ला से ही बनाते हैं, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, मतलब इसके शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है, यानी कि यहाँ से ये वाला इधर चला जाएगा, अब यहाँ पर बन रहा है 60 डिग्री, इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। इस भवन के 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब ऊपर देखेंगे तब कितना डिग्री बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है, यहीं से ना देखेंगे तो ये बोला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्षैतिज रेखा और ये बोला हो जाएगा दृष्टि रेखा, है कि नहीं, उसके बीच में 60 डिग्री बन गया, क्लियर। अब आगे और बोला गया है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, मतलब आपको यहाँ से देखिए, यहाँ से इसके जो पाद बिंदु है वहाँ पर अवनमन कोण कितना बन रहा है 45 डिग्री, मतलब यहाँ पर 45 डिग्री बन रहा है। अगर यहाँ पर 45 डिग्री बन रहा है तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर भी कितना बनेगा 45 डिग्री बनेगा, है कि नहीं, क्योंकि ये वाला रेखा और ये वाला रेखा क्या है समांतर है, तो ये वाला तिर्यक रेखा का काम करेगा, तो एकांतर कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। देखिए अब यहाँ पर थोड़ा उलझन जैसा लग रहा है और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इस पूरे टावर की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, मान लेते हैं कि इस पूरे टावर का जो ऊंचाई है वो है h,
कितना है, इस पूरे टावर का ऊंचाई h है। अब इस भवन का यदि ऊंचाई 7 मीटर है, अगर इस भवन की ऊंचाई 7 मीटर है तो ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला रेखा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षैतिज स्तर या फिर क्षैतिज रेखा जो देख रहे हैं, तो यहाँ से अगर ये वाला कट हो जाए तो ये वाला इसका लंबाई कितना हो जाएगा, एच माइनस सेवन, स्वाभाविक है कि नहीं, क्योंकि इस पूरे टावर का लंबाई h माने हैं और यहाँ से यहाँ तक का पता है हमें कितना, 7 मीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जितना होगा यहाँ से यहाँ तक भी उतना ही होगा, ठीक है, 7 मीटर ही होगा। तो ये वाला क्या हो जाएगा, h माइनस सेवन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज ये वाला बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन रहा है कि नहीं, और एक और समकोण त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर ये वाला, देख सकते हैं। अब इसका नामकरण भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लिए यहाँ पर ये है, ये वाला बी है, यहाँ पर मान लिए सी, इसको मान लिए डी, इसको मान लिए ई, ठीक है। तो यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, हालांकि और भी समकोण त्रिभुज बन रहे हैं लेकिन यहाँ पर दो ही समकोण त्रिभुज से काम चल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाला जो आप देख रहे हैं ये वाला, अब यहाँ से यहाँ तक का लंबाई आपको कुछ भी पता नहीं है। इस त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, अब त्रिभुज ए बी डी में क्या होगा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा पी बाय बी, टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाय बी। तो पी क्या है, ये वाला 7 मीटर है, तो लिखेंगे 7 मीटर, या तो फिर हम यहाँ पर लिख ही देते हैं पी बाय बी। आप देखिए यहाँ पर टेन 45 डिग्री है, हम आपको तो पहले बता चुके हैं 45 डिग्री में क्या होता है, जितना ये वाला रहेगा उतना ये वाला 7 मीटर आएगा, ये 100% है, मतलब इस बिंदु से लेकर इस बिंदु का जो दूरी है वो 7 मीटर ही आएगा। लेकिन चलिए निकाल देते हैं पी का मान कितना है 7, और बी का मान कितना है पता नहीं है, तो बी डी ही रख देते हैं, क्या रख देते हैं, बी डी। 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, क्या होता है, 1 बराबर में 7 बटा बी डी, है कि नहीं। तो यहाँ पर बी डी बराबर में कितना आ गया, बी डी गुना 1 से करेंगे तो बी डी आ जा, और यहाँ पर 7 ही रख जाएगा, तो 7 मीटर, मतलब बी डी का लंबाई हमको 7 मीटर पता चल गया, क्लियर। अब देखिए अब क्या होगा, अब यहाँ पर बी डी का मान अगर 7 मीटर पता चल गया तो इसको हम मिटा देते हैं, अभी क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अब बात करते हैं हम लोग त्रिभुज ए ई सी में, या तो फिर ए सी ई में, त्रिभुज ए सी में ई में क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर जानते हैं कि पी बाय बी होता है, थीटा यहाँ पर कितना है 60 डिग्री है, तो हो जाएगा टेन 60 डिग्री बराबर में पी, ये वाला परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कितना है एच माइनस सेवन, तो एच माइनस सेवन हो जाएगा डिवाइडेड बाय बेस। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 7 है, स्वाभाविक है कि 7 ही होगा, यहाँ से यहाँ तक यानी बी डी जितना होगा उतना ए ई भी होगा, ये पक्का है, ठीक है, तो 7 अब वहाँ पर आप समझ सकते हैं। चलिए से 10 60 डिग्री का मान कितना होता है, रूट थ्री होता है, तो रूट थ्री लिख दिए, फिर हो जाएगा यहाँ पर एच माइनस सेवन डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 7, अब 7 को गुना रूट थ्री से कीजिए तो 7 रूट थ्री हो जाएगा बराबर में क्या हो जाएगा एच माइनस सेवन। अब यहाँ पर h का मान निकालना है, अगर h का मान हमको पता चल जाए तो फिर उस पूरे टावर का ऊंचाई हमको निकल जाएगा, है कि नहीं, मान पता चल जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 रूट थ्री, अब जो माइनस सेवन है इधर लाएंगे बराबर के इधर तो प्लस सेवन हो जाएगा, बराबर में क्या बच जाएगा h बच जाएगा, थोड़ा सा उल्टा नजर आ रहा है इसलिए h को इधर ले आते हैं और बाकी बात सबको उधर भेज देते हैं, 7 रूट थ्री हो जाएगा प्लस में क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप 7 कॉमन भी ले सकते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा रूट थ्री बचेगा, प्लस में क्या हो जाएगा इतना क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बताइए इस टावर पर हमें चढ़ने की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी, बस कुछ कुछ कंडीशन दिया गया था, बस नीचे ही नीचे से कैलकुलेशन के द्वारा हम लोग सॉल्व कर दिए, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, शिखर पर लगी एक संचार मीनार। चलिए सबसे पहले बनाते चलते हैं, एक भवन है यहाँ पर, एक भवन सबसे पहले बनाते हैं, भवन है, कोई घर है 10 तल्ला 20 तल्ला होगा, है कि नहीं। तो भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, और इस भवन का ऊंचाई कितना है 20 मीटर है, के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। अब इसके शिखर पर एक संचार मीनार लगा हुआ है, कोई टावर आप देखे होंगे कि किसी किसी घर में ऊपर में टावर लगा होता है, तो उसी तरह से यहाँ पर टावर लगा हुआ है, ठीक है। संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, इसके तल
और इसके शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः कितना है 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब आपको यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि मीनार का जो ऊंचाई है, मीनार का ऊंचाई, अच्छा मानेंगे बाद में, सबसे पहले यहाँ पर आकृति बना लेते हैं कि क्या बोला गया है। भूमि के एक बिंदु से, भूमि पर कहीं पर एक बिंदु है, क्या है, एक बिंदु है। जैसे कि ये वाला अगर घर बना होगा तो कहीं भूमि पर ना बना होगा, ऐसे थोड़ी ना आसमान में घर बनता है, भूमि पर ही बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भूमि है, ठीक है। अब यहाँ तो 90 डिग्री कोण बनेगा क्योंकि घर तो एकदम सीधा बनेगा, ऐसे टेढ़ा बनेगा, गिर जाएगा, फिर खत्म कहानी। चलिए, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल, एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, और शिखर मतलब इस तल का उन्नयन कोण, इतना लंबा खैर नहीं जाएगा, यहीं से हम ले लेते हैं इस, अरे यार ऐसा टेढ़ा हो जाता है ना कि कभी जिंदगी में ऐसा गलती किए नहीं, शिखर का भी कर देते हैं, ठीक है। अब देख सकते हैं शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः कितना है, 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मतलब इस संचार मीनार का जो यहाँ पर जो ये आधार है, तल है, इससे जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 45 डिग्री है, और इसका जो यहाँ पर शीर्ष है, क्या है, शीर्ष है, शिखर जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, और यहाँ पर उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पर बोला गया कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब आपको इसका ऊंचाई ज्ञात करना है, तो देखिए टेढ़ा मेढ़ा इमेज बन रहा है, इससे आपको चिंता नहीं करना है। मान लेते कि मीनार का ऊंचाई कितना है, h है। अगर मान लिए तो कहानी यहीं पर समाप्त। अब कहानी इसलिए समाप्त होगा, यहाँ पर दो दो ट्राइंगल बन रहा है। सबसे पहले आप मान लें यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये है ए, यहाँ पर ये वाला है बी, यहाँ पर ये वाला है सी, और इसको मान लीजिए डी, ठीक है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, ऐसे करके समकोण त्रिभुज ही बन रहा है, और एक समकोण त्रिभुज एकदम बड़ा सा बन रहा है, एकदम इसको अगर इसको ऐसे मिला देंगे तो एक बड़ा वाला बन रहा है डी ए सी, और एक बन रहा है ए डी बी, दो ही समकोण त्रिभुज से यहाँ पर काम चल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाय बी। अब थीटा का मान यहाँ पर देखिए ए बी डी में कितना है, 45 डिग्री है। देखिए ये वाला कितना है, 45 डिग्री, तो हो जाएगा यहाँ पर टेन 45 डिग्री बराबर में यहाँ पर देखिए ये वाला हो जाएगा पी, इस थीटा के सामने वाला क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर कहलाता है, लंब कहलाता है, तो यहाँ पर बीस है तो 20 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय क्या है, बी है, तो बी यहाँ पर बेस कितना है, ए डी, तो ए डी ही मान लेते हैं। 45 डिग्री का मान 1 बराबर में हो जाएगा 20 बट्टा ए डी, अब ए डी बराबर में क्या आ गया, ए डी गुना एक सेकेंड ए डी आया, अब यहाँ 20 मीटर आ गया। हम बता चुके हैं आपको पहले ही कि 45 डिग्री रहेगा तो सेम आ जाएगा, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना आ गया, 20 मीटर आ गया, कितना आया, 20 मीटर आया। अगर यहाँ से यहाँ तक का लंबाई पता चल गया तो गारंटी है कि हम इस पूरे टावर का लंबाई ज्ञात कर लेंगे, ये 100% गारंटी है। वो कैसे, देखिए चलिए एडी का वहाँ मान लिख दिया, अब यहाँ इसको हम मिटा देते हैं यहाँ पर। अब लिखते हैं त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में, अब त्रिभुज ए सी डी में देखिए 10 यहाँ पर कितना बन रहा है, 60 डिग्री, तो 10 60 डिग्री बराबर हो जाएगा, 10 60 डिग्री बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो देखिए यहाँ पर एंगल बन रहा है तो ये वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 20 प्लस एच डिवाइडेड बाय बेस कितना है मेरा, 20 है, तो यहाँ पर 20 लिखेंगे, ठीक है। 10 60 डिग्री का मान होता है रूट 3, यहाँ रूट 3 लिख दिए, हो जाएगा 20 प्लस एच डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 को गुना रूट 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 रूट 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 प्लस एच हो जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ से एच का मान कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर 20 रूट 3 है, अब प्लस 20 को इधर लाएंगे तो माइनस 20 हो जाएगा, बराबर में एच बचेगा, या फिर इसी को आप उल्टा कर दीजिए, एच बराबर में क्या हो जाएगा, 20 रूट 3 माइनस में क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर कॉमन लीजिए, कॉमन लीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा, रूट 3 यहाँ पर बचा और 20 यहाँ कॉमन चलाएगा तो माइनस 1 बचा, इतना मीटर क्या आया, एच का मान आया। तो यहाँ पर एच का मान ही नहीं हो गया उस टावर का, ठीक है, यहाँ पर टावर नहीं, मीनार, संचार मीनार। अब यहाँ पर संचार मीनार का ऊँचाई कितना हो गया, इतना मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि एच का मान यदि इतना, आपको इतना मीटर प्राप्त हो गया, इसका मतलब ये हुआ
कि इस मीनार का ऊंचाई इतना ही मीटर है, आप रूट थ्री के जगह पर 1.73 रख दीजिए, आपको एग्जैक्टली दशमलव में पता चल जाएगा, है कि नहीं। तो आंसर तो यहीं पर लिखा रहता है एनसीईआरटी में, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाइएगा तो यहीं पर आंसर आपको मिल जाएगा, क्लियर। बाकी बात आप आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बन गया, मीनार का ऊंचाई ज्ञात कर दिए बिना उसको नापे हुए नीचे ही से, है कि नहीं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5, इतना ही क्वेश्चन कराएंगे इसमें। बोला गया कि सर्कस का एक कलाकार है, एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। देखिए एक भूमि यहाँ पर एक खंभा है, अब इस खंभा से एक रस्सी तनी हुई है और इसी रस्सी पर ये जो खंभा है ये भूमि से लगा हुआ रहेगा, खंभा आसमान में तो नहीं लगेगा, उसको भूमि में गाड़ा जाएगा, है कि नहीं। खंभा लगा हुआ है और यहाँ से रस्सी तना हुआ है, रस्सी खींचा हुआ है और इसी पर जो है सर्कस का कलाकार चढ़ रहा है, ठीक है। सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मतलब कि यहाँ पर बनाया गया कोण जो है 30 डिग्री हो का हो, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आपको इसका ऊंचाई ज्ञात करना है कि मान लेते हैं सबसे पहले हम कि ये यहाँ पर है ए, यहाँ पर है बी और यहाँ पर है सी। अब यहाँ पर इस डोर का लंबाई, एक सर्कस कलाकार एक लंबी डोर पर, यहाँ पर देखिए 20 मीटर इस डोर का लंबाई दिया गया है। अब आपको इस खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए अभी तक जितना भी क्वेश्चन बनाए थे उसमें क्या था, या तो लंब दिया हुआ था या तो आधार दिया हुआ था, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर कर्ण दिया गया है, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज है, अब इसके सामने वाला कहलाता है कर्ण, तो कर्ण का मान दिया गया है, आधार और लंब नहीं दिया गया और लंब का मान निकालने के लिए कहा गया है। तो देखिए एक यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है साइन, साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बाय एच, मतलब कि लंब बटा कर्ण, तो इससे निकल जाएगा, ये 100% गारंटी है कि नहीं, क्योंकि इसमें एच हाइपोटेनियस भी शामिल है और हाइपोटेनियस का मान हमको दिया गया है कि नहीं, तो इससे निकाल देंगे। तो साइन थीटा, अब थीटा का मान 30 डिग्री है तो हो जाएगा साइन 30 डिग्री बराबर में परपेंडिकुलर, मान लेते हैं कि इस खंभे का ऊंचाई जो है वो एच है, तो परपेंडिकुलर के जगह पर एच हो जाएगा। आप देखिए एच और हाइपोटेनियस आप एक ही न समझने लगी है कि नहीं, ये मान हम यहाँ पर रख देते हैं, हाइपोटेनियस का मान कितना है 20 है, क्लियर। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, यह आपको याद करना होगा कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान होता है 3/√2, है कि नहीं, ये सब याद करना पड़ता है। बराबर में हो जाएगा h बटा 20, 2 × 2 = 20। अब देखिए 10 को गुना 1 से करेंगे 10 हो जाएगा, यानी h बराबर में क्या आ गया 10, किस में आएगा मीटर में आएगा, मतलब ये हुआ h का मान अगर 10 मीटर आया तो इस खंभे का ऊंचाई कितना है 10 मीटर है, निकल गया। खंभे पर हमको चढ़ने की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी, हमको या तो ये वाला पता होना चाहिए और साथ में एंगल पता होना चाहिए, बाकी बात काम उसका तमाम हो जाएगा, क्लियर। तो मुझे उम्मीद है कि इतना सारा क्वेश्चन कराने के बाद आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। हालांकि इसका आगे का भी वीडियो आएगा जिसमें आपको केवल क्वेश्चन कराया जाएगा, टप टप क्वेश्चन, जिसमें आपको नई नई चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी। तो इस चैनल पर बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले, और अगर वीडियो ये पसंद पड़ा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।